ओ भाई साहब, जैसे ही मैं देखो कैमरा सेट कर रहा था और ये ई रिक्शा यहाँ पे पलट चुकी है, देख सकते हैं आप वो सामने। बाप रे, हाल सड़क की हालत इतनी ख़राब है ना भाई साहब। ये स्मार्ट सिटी है सहारनपुर और हालत इतनी ख़राब है कि गड्ढे, मतलब रिक्शा तो दिख ही नहीं रही है गड्ढों में चलते हुए, इतनी भयंकर गड्ढे हैं, घुटनों घुटनों तक के गड्ढे हैं। और बहुत अच्छा ये रहा इसमें कि पीछे वो जो सामने बस है ना, वो बहुत पीछे थी और हमारी बस भी बहुत पीछे थी। नहीं तो अगर ये तेज़ी पे होती है, नज़दीक होती तो शायद टक्कर लग सकती थी और दुर्घटना बहुत बड़ी हो सकती थी। तो चलिए, ये रिक्शा भी सीधी करा दी है। इसमें लेडीज़ बैठी हुई थी दो तीन और एक बच्चा भी बैठा हुआ था। तो चलो, भगवान का शुक्र ये है कि किसी को चोट नहीं लगी है। मैंने तो ये अपनी आंखों से पूरा देखा है सीन, मतलब बहुत ही, ये ई रिक्शा का पहिया थोड़ा सा गड्ढे में गया और बड़े प्यार से ऐसे पलट गई, बहुत ही आराम से, मतलब बिल्कुल भी झटका भी नहीं लगा ज़रा सा। लेकिन बस ये है कि अगर बस वगैरह कार वगैरह कुछ आ रही होती आमने सामने से या कहीं से भी, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था ये, क्योंकि अचानक से एकदम से ब्रेक भी नहीं लगते हैं। तो चलिए, खैर भगवान का शुक्र है सब कुछ सही है और यही रिक्शा भी सीधी कर दी है लोगों ने। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, किसी को चोट नहीं लगी। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ अभी स्मार्ट सिटी सहारनपुर में। स्मार्ट सिटी का दर्जा तो दे दिया है इसको सहारनपुर को, लेकिन स्मार्ट वर्क कुछ भी नहीं है इसमें। मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ आपको और अभी भी बता रहा हूँ। सड़क की हालत आपने देख ली है, एक्सीडेंट आपने देख ही लिया है। अभी आए दिन ऐसे ही होते रहते हैं, कभी थ्री व्हीलर पलट रहे हैं, कभी ऑटो पलट रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल पलट रही है, कभी अभी देखो ई रिक्शा तो आपके सामने ही पलट गई। तो बस यही हाल है, रोड कुछ इस तरीके की है, सिंगल रोड है। और ये दोस्तों, ये मेन मार्केट से रोड आती है, मतलब रोडवेज अड्डे से ये रोड आती है और इसी तरह की रोड है और ये रोड कनेक्ट करती है फिर नेशनल हाईवे 709B को, जो कि अक्षर धाम दिल्ली से स्टार्ट होता है और सहारनपुर तक आता है वो दोस्तों, शामली होते हुए, बागपत शामली और बड़ौत होते हुए। तो अब ये बात तो मैं कई बार आपको वीडियो में बता चुका हूँ, आपने कोई वीडियो नहीं देखी है इस पर तो देख लेना एक बार। आई बटन में लिंक मिल रहा होगा या फिर एंड वीडियो जैसी होगी उसमें भी लिंक मिल जाएगा आपको, देख लेना। और वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों, लास्ट तक बने रहना, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज का सफ़र रहेगा हमारा सहारनपुर से ननौता तक का। बहुत लोगों की ये डिमांड थी, एक मोहन पाल करके है मेरे सब्सक्राइबर, उनकी भी डिमांड थी कि भाई एक सहारनपुर से ननौता की स्पेशल वीडियो बनाओ जिसमें गांव शहर सारे कवर हो सके कि कितना काम हुआ है कितना नहीं। तो भाई साहब, सब सभी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सहारनपुर से ननौता तक के लिए दोस्तों। और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं दिखाऊंगा वो काम जो हुआ ही नहीं है अभी तक नेशनल हाईवे 709B पर। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितना काम हुआ है कि कितना नहीं हुआ है। अभी तो स्पीड तो इतनी रहनी है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही बिल्कुल एकदम सड़क बहुत ही तंग सड़क है, देख सकते हैं आप, सिंगल रोड, बिल्कुल बचने की, पैदल आदमी की बचने की जगह नहीं है इस पर। तो जैसे ही हम इससे आगे बढ़ते हैं तो रोड कुछ ऐसी आ जाती है, इसको मैं डबल रोड बोल सकता हूँ। वही है तो सिंगल रोड, लेकिन डबल इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि उधर की साइड लेफ्ट और राइट बीच में डिवाइडर, तो इससे बहुत बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि जो लेफ्ट वाला जा रहा है तो वो लेफ्ट ही जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में नहीं घुस पाएगा और लेफ्ट वाला राइट में नहीं घुस पाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात रहती है, जाने वाला जाता ही रहता है और आने वाला आता ही रहता है, मतलब इधर उधर नहीं घुसने की कोशिश होती, क्योंकि हम लोगों में आदत होती है ना, इधर से कट मारा तो उधर निकल गए, इधर से कट मारा तो इधर निकल गए, ये चीज़ नहीं हो पाती डिवाइडर में। तो ये बहुत अच्छी बात है और स्मार्ट सिटी की हालत आपको मैंने दिखा दी है सहारनपुर की, भाई बहुत बुरे हाल है। कचरा भी सड़क पे भी आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो ध्यान देना, लेफ्ट साइड में कचरे का भंडार पड़ा हुआ था। तो चलिए, खैर कोई नहीं, ये तो बात हुई स्मार्ट सिटी की, हम तो बात कर रहे हैं रोड की। तो दोस्तों, ये रोड जैसे ही यहाँ से ख़त्म होती है, देख सकते हैं आप, तो ये सीधी रोड आपको एक, मतलब चौक आएगा, चौक से राइट टर्न लेंगे जैसे ही हम, तो ये कनेक्ट कर देगी नेशनल हाईवे 709B को। तो चलो वहीं पर मिलते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम आगे बढ़े तो हम रामपुर मनियारन में पहुंच चुके हैं। सहारनपुर से बाहर निकलते ही रोड बहुत अच्छी बन चुकी है, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई है तो उस रोड को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सीधे रामपुर मनियारन में पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप, रामपुर मनियारन के अंदर एंट्री कर चुके हैं और रोड कुछ ऐसी है। तो दोस्तों, जो गाँव कस्बे आ रहे हैं बीच में, उन पर रोड बिल्कुल भी नहीं बनी है, अभी काम चला ही नहीं है, बस हाँ मकानों की तोड़फोड़ हो रही है। और देखो भाई, बस वाला तो ये भयंकर लहरें देते हुए जा रहा है आगे, ओ तेरी भाई, बड़ी भयंकर कट मार के लेके गया है वो आगे ये लेफ्ट साइड से। खैर चलो,
और ये देखो रामपुर मनिहारन का हाल अभी ऐसा है कि रोड पे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है अभी बिल्कुल भी। और हाँ, मकान जो रोड पे थे, अतिक्रमण हो रखा था, उनको तोड़ दिया गया है पूरी तरीके से, बुलडोजर चल चुका है उन पे। अब मिट्टी का काम और जो भी काम रहता है कंक्रीट वगैरह का, वो उस काम चल रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो रोड आपके सामने होगी। तो देखो भाई साहब, सीन कुछ ऐसा है, देख सकते हैं आप। तो रामपुर मनियार में जैसे हम आए तो इस तरीके का सीन है, जैसे मैंने आपको बताया कि रोड अभी बनी नहीं है बिल्कुल भी, और यहाँ पे कोई काम ऐसा चल भी नहीं रहा है। तो बस वही है कि मकान तोड़े गए हैं और ये देखो ये नाला बना है। तो जो नाले की सफाई, नाला था मतलब, तो वो नाला साइड में जो नाले होते रहे वो बनाए रहे हैं अभी यहाँ पे, और इनको बनने के बाद फिर रोड का काम स्टार्ट होगा दोस्तों। कहीं कहीं पे मिट्टी भी डाली जा रही है, तो इस तरीके का सीन है। और जैसे ही ये रोड बन जाएगा दोस्तों, नेशनल हाईवे 709 भी कंप्लीट हो जाएगा। शामली तक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जैसे मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में भी, दिल्ली से शामली के लिए पूरा कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। और जैसे ही शामली से सहारनपुर के लिए कंप्लीट हो जाएगा भाई, ज़बरदस्त हाईवे है अल्टीमेट। सहारनपुर से शामली के लिए तो बहुत ही मस्त हाईवे बन रहा है और मज़ा आने वाला है यहाँ पे लोगों को भी और सभी लोगों को। तो देखो जैसे ही रामपुर मनियारन से आप आगे निकलते हैं तो रोड देखो चकाचक रोड बन चुका है, डिवाइडर सब फिट है। तो कहीं कहीं पे डिवाइडर का काम भी बचा है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है दोस्तों, जो सहारनपुर से शामली तक के लिए थी मैंने उसमें पूरा कवर किया था, बस बीच के गाँव छोड़ दिए थे। मतलब जैसे अभी रामपुर मनियारन आया वो बीच की मैंने वीडियो नहीं दिखाई थी, तो लोगों की बहुत लोगों के कमेंट आए कि भाई बीच वाला भी दिखाओ, इसका क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इसलिए मैं उस हिस्से को भी दिखा रहा हूँ जो वो बनानी है। दोस्तों रोड कुछ चीज़ ऐसी है, देखो ज़बरदस्त हाईवे बनाए, बहुत ही अल्टीमेट हाईवे बनाए। तो जैसे ही यहाँ से हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये आ जाता है ननोता, देख सकते हैं आप। अभी हम ननोते में एंट्री कर जाएंगे। तो दोस्तों ननोते का हाल कुछ ऐसा है, देख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे इतना है, रामपुर मनियारन में जैसे अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, मैंने आपको दिखाया, आपने देखा भी होगा वीडियो में, यहाँ पे मिट्टी वगैरह का सब काम हो चुका है, अब कंक्रीट वगैरह बिछनी बाकी है। बुलडोजर वगैरह जो भी वो होता है मिट्टी दबाने का काम करता है जो मशीन है, वो सब काम कंप्लीट हो चुका है, बस अब कंक्रीट डलनी बाकी है, सीमेंट बजरी जो भी कुछ डलेगा। तो ये देखिए रोड पूरी चौड़ी हो चुकी है दोस्तों, और थोड़ा ही काम बचा है ननोता में, तो एक दो महीने में जहाँ तक मुझे लगता है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए ननोता में हम एंट्री कर चुके हैं, ये पूरा ननोता शहर है दोस्तों, एक तरीके से कस्बा है छोटा सा, ये देखिए। और यहाँ पे दोस्तों ये देख रहे हैं ना आप, ये लेफ्ट और राइट जो सड़क जा रही है ये है गंगोर से मंगलोर रोड, जो कि स्टेट हाईवे का दर्जा मिल चुका है इसको। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आई बटन में लिंक मिल रहा होगा, देख लेना दोस्तों। तो इसको भी स्टेट हाईवे का दर्जा मिल चुका है, जो कि इसके ऊपर से जाएगा शायद नेशनल हाईवे 709B के ऊपर से। तो दोस्तों आज की अपडेट यहीं तक की रहने वाली थी, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।